नागपुर में सामान्य जनता और प्रशासन के मध्य की दूरियां कम करने के लिए पालक मंत्री नितिन राउत की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पालक मंत्री ने जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें सुलझाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में पहले जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 13 मई को इस संदर्भ में लिखित समस्याएं मांगी गई और 14 मई को समय पर आने वाली सभी समस्याओं को शामिल करने का प्रयत्न प्रशासन कर रहा है। कोई भी समस्या हो, महानगर पालिका से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक और नगर पंचायत से लेकर जिला परिषद तक इस जनसंवाद कार्यक्रम में सभी को पालक मंत्री से संवाद करने का मौका मिलेगा। जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नागरिकों की समस्याओं का निराकरण होगा। नागरिकों ने इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, लोकशाही में रहने वाले अधिकारियों की मदद ले और इस व्यासपीठ पर अपने प्रश्न छुड़ाए, ऐसा आह्वान पालक मंत्री ने किया है। आपकी पालक मंत्री ने 17.5 साल के बाद में पहला जनता दरबार लगाया, वो भी महानगर पालिका में 14 दिन के पहले डिस्कस हो गई थी। जो चर्चा करने के लिए हम लोगों को बुलाया उसके ऊपर में हमको चर्चा ही नहीं करने दे रहा। नागपुर महानगर पालिका की सुगत नगर की टाकी 1.5 महीने से बंद है, उसके बाद में उसमें इंटरनल कनेक्शन लगाने को होना था, OCW ने लाइन डाली थी, वो उसके इंटर कनेक्शन नहीं मारे। जैसा वहाँ पर माड़ा है 1292 क्वार्टर, 100 टैंकर जाते हैं उस परिसर में, कडूलियाआउट, तारकेश्वर नगर और समता नगर, उसके बाद में मलका कॉलोनी और भक्ति सागर नगर, यहाँ लाइन डाली है 1.5 साल से, परंतु अभी तक के जलवायु ने जोड़े नहीं, उसके दिशा निर्देश पर बोलने नहीं दिया। उसके बाद उन्हीं के मतदार क्षेत्र में SRA की स्कीम है, जंगल में बनी हुई, ये लोगों को वहाँ पर बैठा लाद गया, लेकिन ना पानी की सुविधा है, ना गटर की लाइन की सुविधा है और ना ही रोड की सुविधा है और ना ही प्रकाश व्यवस्था है। इंडस्ट्रियल बेल्ट घोषित होने के बाद में 1992 में काश्तकारों की जमीन एक्विजिशन में गई थी, नारा नारी वांजरा वांजरी और खसरा मसरा की, उसमें इंडस्ट्रियल एरिया बुट्टी बोरी भी आने का था, MIDC भी आने का था और मिहान भी आने का था। आप क्या कहना? वही जगह पे महानगर पालिका के माध्यम से इटारसी पुलिया के पास से भीम चौक के लोग जो थे उनको पुनर्वसन किया गया और वो पुनर्वसन करने के बाद में उनको यह सुविधा से वंचित रखा गया है, जहाँ से रोड नहीं है जाने के लिए। आप पालक मंत्री का क्या कहना? अभी उन्होंने बोले देखेंगे और बात करेंगे, ऐसा बोल रहे थे मैं देखूंगा, तो मैंने बोला तुमने वहाँ स्पॉट पे जाना चाहिए, आपके मतदान क्षेत्र का पूरा जो तकरार किए हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 नंबर की टोकन और 11, 21 से लेकर तो 26 तक के ये टोकन हमारे थे, पर हमको उसने बोलने नहीं दिया। रमाईघर को योजना के माध्यम से जो 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं वो 7 लाख रुपए मिलना चाहिए, ऐसे महंगाई के कारण काल में तो वो भी शासन का धोरण है, ऐसा उन्होंने सुझाया, कैबिनेट में लेऊंगा करके बोले हैं। उसके बाद में एवजदार जो है अधिसंख्या पद पे महानगर पालिका में लगाया गया था लोगों को, वो एवजदार ऐसा था कि उसको परमानेंट करने के बाद में PF का और अनुकंपा बेस पे उनके परिवार के लोगों को नौकरी लगना चाहिए करके महानगर पालिका के सभागृह में 2 बार ठहराव मंजूर हो गया और 10, 11, 21 को माननीय बी राधाकृष्णन साहब ने एक लेटर चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई कर्मचारियों को एवजदार को अधिसंख्या पद पे रिक्रूटमेंट किया गया है तो उनको अनुकंपा पेश लागू की जाए करके लेटर दिया, वो उस पर भी बोलने नहीं दिया, वो दूसरा बोलेगा तीसरा बोलेगा ऐसा करके बात फिरा दिया। माझं नाव विक्की प्रकाश बडेल आहे, मी अखिल भारतीय सफाई मजूर काँग्रेस संघटनेचा महाराष्ट्र सचिव आहो। सफाई कामगारांचा पूर्ण देशभरामध्ये समस्या चालू आहे, तर ज्या प्रकारे या सगळ्या सफाई कामगारांच्या समस्या आणि अडीअडचणी बघता नागपूर जिल्ह्याचे आमचे पालकमंत्री आमच्या नितीनजी राऊत साहेबांनी जनसंवाद लोकसंवाद म्हणून एक कार्यक्रम आज इथे 11 वाजता कलेक्टर ऑफिसमध्ये आयोजित केला, तर आम्ही सगळे सफाई कामगार बांधवांना घेऊन त्यांच्या समस्या घेऊन नागपूर महानगरपालिकेशी निगडीत युनिव्हर्सिटीशी निगडीत इतर विभागाशी निगडीत घेऊन आम्ही इथे या लोकसंवाद कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालो, निवेदने दिली काल आम्ही आणि टोकन प्राप्त केलं। या टोकन क्रमांकानुसार मग आम्ही आपल्या सगळ्या विषय ठेवला की आता महामारी झाली, या महामारीमध्ये नागपूर महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांनी शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी आपली सेवा दिली जीवाची पर्वा न करता,
अशा परिस्थितीत त्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजच्या अंतर्गत 50 लाख सानुग्रह हा लाभ मिळाला पाहिजे होता. पण दुर्दैवाची परिस्थिती अशी आहे, कोरोना गेला, निघून गेला, 2 वर्ष झाले, 50 लाख सानुग्रह महानगरपालिका नागपूरच्या कर्मचाऱ्यांना, कुटुंबियांना, त्यांना अजूनही अद्याप 50 लाख सानुग्रह लाभ मिळालेला नाही. अशी 49 कर्मचाऱ्यांची यादी आहे जे शहीद झाले पण त्यांना अद्यापही लाभ मिळालेला नाही. त्याचप्रकारे अधिसंख्य कर्मचारी इथे फार मोठ्या प्रमाणात 4,500 कर्मचारी इथे अधिसंख्य पदावर काम करत आहे, त्यांना वारसा हक्क भेटायला पाहिजे, तो वारसा हक्कसुद्धा अद्यापही त्यांना मिळालेला नाही. परिपत्रकामध्ये सुधारणा म्हणून शासन स्तरावर परिपत्रके सादर करण्यात आलेले आहे, पण ते सादर केलेले तिकडे मार्गदर्शन परिपत्र फक्त मंत्रालयातच अडकून आहे, त्याचे वर्षानुवर्षे निघून गेल्यावरही उत्तर काही भेटत नाही. त्याचप्रकारे त्यांचं पालकमंत्री साहेबांचा ऊर्जा विभाग, लाडबागे समितीचं धोरण आहे की जे सेवानिवृत्त स्वेच्छानिवृत्त मृत होतात कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबियांना वारसा हक्क द्यावे, हे 5-5, 10-10 वर्षापासून त्यांच्या विभागामध्ये अर्ज सादर करून नुसते फेरानफेऱ्या करत आहे, नागपूर मुंबई नागपूर मुंबई, पण त्यांना 30 दिवसाचा आतमध्ये शासन निर्णयाच्या आदेशानुसार नियुक्ती द्यायला पाहिजे. पण 5-5, 7-7 वर्ष निघून गेले असता आता आम्ही पालकमंत्री साहेबांच्या लक्षात आणून दिलं की यांची नियुक्तीवर, यांच्या अर्ज प्रकरणावर अंमलबजावणी होत नाही. या परिस्थिती अनेक परिस्थिती आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर श्रम सापल्य आवास योजनेनंतर निवास भेटायला पाहिजे. साहेबांचं आश्वासन मिळालेलं आहे आम्हाला की यंदा पहिली ही लोकसंवाद सभा आहे आपली, पालकमंत्री नितीनजी राऊत यांनी ठरवलेली आहे की पालकमंत्री आणि लोकांच्या जे समस्या आहे त्याच्यामध्ये जवळीक आली पाहिजे म्हणून ही प्रस्तुत चालू केलेली आहे. आधी जनता दरबारच्या माध्यमातून करायचे, आता लोकसंवाद त्याला नवीन नाव दिलेलं आहे, तर या माध्यमातून आपण सगळ्या अडीअडचणी आणि सगळ्या सफाई कामगारांचा प्रश्न सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू असं आश्वासन. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.